नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव झारखंड के दौरे पर हैं और उनका जोश पूरा हाई है। सुबह सुबह उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और मुलाकात के बाद दोनों की तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि तेजस्वी यादव ने मुलाकात के बाद कोई बयान नहीं दिया, लेकिन वो सीधे पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के बीच। जो कार्यक्रम आयोजित था, मुख्य कार्यक्रम, जिसके उद्देश्य के लिए तेजस्वी यादव झारखंड गए हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। 24 जिलों के कार्यकर्ता जुटे आज रांची में, भारी भीड़ जुटी और तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं के बीच से हुंकार भर दी है। पार्टी को मजबूत करने की कवायद है, तेजस्वी यादव उस कवायद में लगे हुए हैं। और अब तेजस्वी यादव ने झारखंड की राजधानी रांची से मंत्र फूंक दिया है अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने नेताओं के बीच, और कह दिया है कि कमर कस के तैयार हो जाइए। पार्टी लेवल पर जो है, पार्टी हर प्रखंड लेवल पर या गांव पंचायतों प्रखंडों तमाम जगहों पर जो है कार्यकर्ता एक्टिव हो जाए, तो पूरा एक्टिव करने के मोड में, एक्टिव मोड में लाने के लिए तेजस्वी यादव पहुँचे हैं झारखंड। और आपको बताएं कि पार्टी के मुताबिक आगे भी झारखंड में तमाम जिलों में, प्रत्येक जिलों में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने इसकी आधारशिला रख दी, अगर कहे तो, उनके कार्यक्रम की। और अब प्रत्येक जिलों में जा जाकर वो पार्टी में जान फूकेंगे। तो अब आज के मौके पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, ये पहले आपको सुनवाते हैं। और ये कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक, सभी हमारे माताएं बहने, युवा साथी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और पोर्टल मीडिया के हमारे सभी साथी लोग इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सबसे पहले आप लोगों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। इतनी बारिश हो रही है, लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। और ये वाकई में लोग हमको झारखंड के लोग कह रहे थे कि भैया सबसे बड़का हॉट की है। हमको लगा भाई कार्यकर्ता सम्मेलन है, सबसे बड़ा हॉल होगा तो कितना का होगा, कृष्ण मेमोरियल से तो बड़ा नहीं होगा, या जो पटना में बापू साहब आघाट जो 5,000 का कैपेसिटी रखता है। लेकिन फिर भी लोगों ने बोला कि काफी उस हिसाब का बड़ा हॉल भी। लेकिन लोगों ने ये भी बताया कि बाहर की व्यवस्था जो है की हुई है, प्रोजेक्टर भी लगाया गया। और वाकई में जब हम आ जा रहे थे तो सड़क तो लोगों से पटा ही हुआ था, मेन रोड जो आंगन है, मैदान है, ये भी पटा हुआ था, हॉल भी जो है खचाखच भरा हुआ, यानी लोगों में उत्साह है, जोश है, उमंग है। और कुछ दिन पहले हमने पटना में झारखंड इकाई की बैठक बुलाई थी, तो बैठक में यही हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि बैठक में अपने पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को किस हिसाब से जो है हम सब लोग मजबूत करें। जनता से जमीनी स्तर पर हम लोग कैसे जुड़ेंगे, बूथ पे हम लोग कैसे पहुंचे। आप सब लोग जानते हैं जब यूनाइटेड झारखंड रहा, जब झारखंड और बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय हमारे पिता, हमारी माता दोनों। सुन लिया आपने, तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी होगी, घर घर जाना होगा और पार्टी को मजबूत बनाना होगा। पार्टी को मजबूत बनाना है, हालांकि ये सवाल भी उठा कि किसके खिलाफ मजबूत बना रहे हैं तेजस्वी यादव।
अगर बात करें तो लालू यादव का जो वक्त था, जब अविभाजित बिहार था, उस वक्त पार्टी मजबूत थी, आरजेडी मजबूत थी झारखंड में, और बिहार के जो अभी वर्तमान बिहार है उसके तमाम जो जिले सटे हुए थे, देवघर, साहिबगंज, जो इस तरह के जो जिले हैं झारखंड के, वो जिले में पार्टी का एक अच्छी पैठ थी। तो वो पुराने दिन, लालू यादव वाले दिन, तेजस्वी यादव लाना चाहते हैं आरजेडी के लिए झारखंड में। अभी आपको बताएं कि उनके महज एकमात्र विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं सरकार में, हेमंत सरकार में, पर तेजस्वी की मंशा कुछ और है, ज़्यादा चाहिए। तेजस्वी चाहते हैं कि झारखंड में भी वो एक मजबूत पार्टी के तौर पर रहें, तो अब तेजस्वी यादव ने इसकी शुरुआत कर दी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हालांकि तेजस्वी मजबूत होंगे तो कौन कमज़ोर होगा, ये भी बड़ा सवाल है, और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि तेजस्वी अगर मजबूत होंगे तो सीएम हेमंत सोरेन ही कमज़ोर होंगे क्या, क्योंकि उनका मुकाबला तो है नहीं, सरकार है उनकी वहाँ पर। तो अब देखते हैं आगे तेजस्वी किस तरह से अपनी मजबूती, जो मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं झारखंड को मजबूत करने के लिए आरजेडी को, अब वो क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।